गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अपने आत्माओं, हमारा पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ और हम श्री राम श्री कृष्ण विष्णु और भगवान शंकर को जैसा लोकवेद हमने इनकी कथा सुन रखी थी इनके बारे में सर्वेश्वर मानते थे, सर्व पाप नाशक जानते थे, समर्थ शक्ति मानते थे, सारे ब्रह्मांडों का रचनार मानते थे, अजन्मा मानते थे, तो किन्होंने बताया? नकली गुरुओं ने, अंधे गुरुओं ने, जिन्हें वो स्वयं भी अंधे थे, हमें भी हाथ पकड़ दिया कि हमें सब कुछ दिखाई देता जो हमारे पीछे पीछे। जबकि उनकी जीवनी में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। पुणात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा अज्ञान हो गया है और इस अज्ञान का नाश करने के लिए जरा सा भी कोई लूज पॉइंट रह गया तो जीव समझ नहीं सकेगा और नकलियों का दाव लग जाएगा कि देखो ब्रह्मा विष्णु महेश को ये तो नाशवान बताता है। और ये प्रमाण दिखा दूंगा, आप पे चुप कर दोगे उनको कि देखो ये तो पुराणों में लिखा है, क्या ये अपने आप बता रहे हैं? तो वो दुष्ट जो अभी तक आग लगाते आए हैं समाज में, उनकी दाल निकलेगी। पुण्यात्मा, दास को इन सदग्रंथों की जैसे वेदों गीता और पुराणों की कति आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञान दास को मिला है वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म ज्ञान है। और कहते हैं ये चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता, वो सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं ये, यानी पूर्ण कंप्लीट ज्ञान तो उसके अंदर है, बाकी वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है बिल्कुल सही जितना लिखा है लेकिन अधूरा है। जैसे मैट्रिक का सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता लेकिन वो एमए बीए पीएचडी का नहीं होता, और पीएचडी एमए वाले में नीचे का भी सारा ही कुछ होता है। लेकिन ये सदग्रंथ आपके लिए रखता है ये दास, ये मेरी लालटेन है अंधे वाली। एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय चला जा रहा था खेतों में जंगल में, आगे से बच्चे आ रहे थे शोर मचाते हुए उछल कूद करते हुए। उस अंधे सूरदास ने कहा, बच्चा देखना देखना भाई मैं अंधा हूँ, ध्यान से चलना बेटा, और लालटेन ले रखी हाथ में जगती हुई। उन्होंने पूछा कि बाबा सचमुच आप अंधे हो? वो चारों तरफ घूम गए, हाँ बेटा मैं अंधा हूँ। फिर लैंप किस लिए ले रखा आपने? कि तुम आँखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े एक दे ही तोड़ दो, तो इस रोशनी में तुम मुझसे टल जाओ एक तरफ से, मुझे ना कोई हानि पहुँचा जाओ अंधेरे में दो खेत हैं, इसलिए ये लालटेन आपके लिए रखिए बेटा, आँखों वालों के लिए। तो ये जो सदग्रंथ दास दिखाता है ये मेरी लालटेन है, लैंप है ये, ताकि आपको कोई भ्रमत ना कर दे कि रामपाल तो झूठ बोल रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की इंसल्ट करता है। दास तो केवल सदग्रंथों को आपके रूबरू करता है, उनको पढ़कर सुनाता है, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता। आउट ऑफ सिलेबस दास एक अक्षर भी नहीं बोलता कभी, और वो सारा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा गया हमने वो अच्छे लग गए। वो अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमें खुद ज्ञान नहीं, अब स्वयं ज्ञान हो गया तो फिर वो आप पे फ्यूज हो जाएंगे वो नकली। तो यह थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर ये चंद पंक्ति हैं, ये बहुत सा काम हमारा हल कर देंगे। तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो।
भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, इस पवित्र पुराण ने, ये चंद पंक्तियों ने चार पांच कंसेप्ट क्लियर कर लिए। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जो आपके भाग्य में लिखा है, दुख है तो दुख आपको दिला देंगे और आप में सुख है तो आपके भाग में मिल जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन ये कर नहीं सकते। और इसमें पांचवा ये भी क्लियर हो गया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 में 2, 3, 4 इन श्लोकों में लिखा है कि दो प्रकृति हैं। एक तो ये पांचों तत्व और फिर ये मन अहंकार बुद्धि आदि, ये 8 मिलाकर एक प्रकृति। ये तो जड़ प्रकृति है। एक ये दुर्गा है, चेतन प्रकृति। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पहले यही बताया करते थे कि ये नाशवान है, इनकी पूजा से कोई लाभ आपको नहीं होगा। ये भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं। अब इनका कैसे जन्म मृत्यु होता है? ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेट करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती है। एक चतुर्युग में कितना समय होता है, कितने वर्ष होते हैं हमारे? 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब जैसे कलयुग का जो समय है 4,64,000, तो इससे दुगना है द्वापर का, 3 गुना त्रेता का और 4 गुना इससे सतयुग का समय है। तो कुल मिलाकर ये 43,20,000 वर्ष बन जाते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन इतनी रात्रि और 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष ऐसे बना हुआ, ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। इससे 7 गुना अधिक है विष्णु जी की, यानी 700 वर्ष, और विष्णु जी से 7 गुना भगवान शिव की, शंकर की, यानी 4900 वर्ष ऐसे बने हुए वर्ष, और फिर भी इनकी मृत्यु। और जब 70,000 बार ये शिव मर लेगा, शिव जो ब्रह्मा से 49 गुना ज्यादा आयु रखता है, 70,000 बार ये मर लेगा, 70,000 बार, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। अब ये काल कहाँ रहता है? इस ब्रह्मांड के सुन शिखर में, ऊपर के सबसे टॉप मोस्ट प्लेस जो इस ब्रह्मांड का है, वहाँ ये अलग से रहता है, अपना गुप्त रहता है। और वहाँ से जब नीचे आता है तो अपने पुत्रों का रूप बनाता है, कभी ब्रह्मा का रूप बना लिया, कभी विष्णु का, कभी शिव का। तो यह वहाँ रहता है। जब 70,000 बार उस त्रिलोक की शिव मर लेगा, तमोगुण शिव, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और ये ब्रह्म, इस ब्रह्म को सर्व पुरुष भी कहते हैं, सर्व पुरुष, सर्व ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो प्रभु बताए, दो स्वामी। और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं उनके सबके स्थूल शरीर नाशवान हैं। जीव नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। सब प्राणी नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। वो तो सबके नहीं मरती, कुत्ते के देखे भी अमर है। और उधर से फिर 17वें श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के गीता जी में, कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। वो वास्तव में परमात्मा तो इन दोनों से अलग है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से।
उसी को भगवान कहते हैं। परमात्मा मन भगवान, भगवान का अर्थ होता है जो केवल सुख दे दुख ना दे, उसको परमात्मा कहते हैं। और फिर कहा कि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।